जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की फलाही स्कीमों से मजदूरों को वाकिफ करवाने के मकसद से रामबन में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रूपाली ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। लेबर डिपार्टमेंट रामबन की जानिब से एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान रूपाली ने हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर लेबर इंस्पेक्टर रामबन रूप शर्मा के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। शिविर लगाया है और इसका जो मेन मोटिव है वो यही है, जो हमारे मजदूर भाई जो अभी तक बोर्ड के साथ रजिस्टर नहीं हुए हैं वो यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो भी एलिजिबल वर्कर है वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो बोर्ड हमारा असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, हमने उनके बारे में भी लोगों को बताया है और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना जो है इसमें हिस्सा लिया है। काफ़ी इश्यूज जो उनके जो डाउट्स थे या कुछ भी था वो उसने हमने यहाँ बैठ के उस पर डिस्कशंस की हैं। और सबसे अच्छी बात ये है जो लोगों को अब ये अच्छा राहत मिली है कि अब हमारी बोर्ड की जो भी हम बेनिफिट्स दे रहे हैं ये सब ऑनलाइन चला गया है। डोडा जिले के कंडोली चले भैंसा में पिछले तीन दिनों के दौरान 8 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने बताया कि हालिया दिनों में इलाके में आए सैलाब और मुसलसल लैंड स्लाइडिंग की वजह से इनके मकानात जमींदोज हो गए हैं और कई मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बालाई इलाकों पर हो रही लैंड स्लाइडिंग की वजह से इनके मकानात पर मिट्टी और पत्थर गिर रहे हैं। इसके अलावा मकामी आबी जखायर की सतह आब में इजाफे की वजह से भी इनके मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। 20 घरों की जमीन जो है जो पूरी स्लाइड में बह गई है और यहाँ पर कोई भी बैठने का कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा है और जितनी भी जमीन से सब दरियाव की कटाव से और ऊपर चिली पाइन के अड्डे से लेकर नीचे दरिया तक वो सब बह रही है और 15-20 घर जो हैं वो नकल मकानी करके यहाँ से निकल गए हैं। कहीं बंदोबस्त करे हमारे बैठने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे को खाने के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी। और यहाँ आज ही इसने एजम साहब ने और तहसीलदार साहब ने यहाँ का दौरा किया। अभी हमारे मकानों का नुकसान हो गया, जमीन का नुकसान हो गया और जो भी पेड़ पौधे हैं हमारे, अखरोट है और भी सेब के दरख्त हैं, जितने भी हैं समरदार, हर एक पेड़ जो है वो समरदार है, गैर समरदार भी बहुत है और तमाम बह के चला गया यहाँ से। हमारा कोई भी बंदोबस्त नहीं है और हम इतना भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि हमारा बंदोबस्त किया जाए। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत दो तीन दिन कनाल जमीन थी तो वहाँ पे जो हमने एसेस किया वहाँ पे एक लैंड स्लाइड हो रहा है। जमीन जो नीचे जो रिवर नीचे से फ्लो कर रहा है उसकी वो जो कटाई कर रहा है उसको, तो उससे जो ऊपर का जो एरिया है वो नीचे बह रहा है तो उसमें हमने देखे कम से कम 6 घर जो है वो सेवरली डैमेज हो गए हैं, जिनको हमने रिहेबिलिटेट करने के लिए टेंट्स दे दिए हैं और या फिर वो उनको जितने बाकी लोग बचे उनको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो दूसरा उनके लिए हमने प्रायोरिटी पे एक्सियन जो हमारे इरीगेशन फ्लड कंट्रोल से उनसे हमने जेई भी मंगवाया था मौके पे, जिसने एक डीपीआर वो प्रिपेयर करेगा जिसका वो प्रोटेक्शन बंड्स लगाएंगे नाले में एंड टू एंड ताकि वो अपर एरिया जो है वो फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट रहेगा। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।